के अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी यानी CSMU की यानी छत्रपति साहू जी महाराज की। और आप सभी का स्वागत है स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ आपको हम बताएंगे कि CSMU की ओर से एक अगले सत्र से एक सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी आपको, सभी छात्रों को एक सुविधा दी जाएगी जो कि बहुत बेहतर सुविधा है। और ये सुविधा आप सभी की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी। तो आइए इस पूरी सुविधा यानी BSc BCom जितने भी रेगुलर कोर्सेज हैं, चाहे वो PG कोर्सेज के हों चाहे वो UG के हों, सभी के लिए एक बहुत ही बेहतर सुविधा जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस एक मीडिया रिपोर्ट के तहत बताया गया कि 2020 और में विद्यार्थियों को कॉलेज बदलने का विकल्प दिया गया है। और यहाँ शिक्षा नीति जो 2020 आई थी उसी के तहत यहाँ पर प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। आप इसमें बताया गया कि अगर आप कोई कॉलेज है जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया मान लीजिए, और एडमिशन लेने के बाद आप वहाँ पढ़ने गए, जब से किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया और फिर वहाँ आप पढ़ने गए, जब वहाँ पर पढ़ने आप गए तो क्या हुआ कि वहाँ देखा कि वहाँ जो पढ़ाई का स्तर होना चाहिए था वो पढ़ाई का स्तर नहीं है, और उस पढ़ाई का स्तर नहीं है जिससे आपकी लॉस, आपका पढ़ाई का लॉस बहुत हो रहा है। फीस बहुत मोटी ली जा रही है लेकिन गुणवत्ता ना तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में है, ना बैठने में है, ना कॉलेज के जो मानक हैं वो पूरे हो रहे हैं। फिर आप जो है फंस जाते हैं पूरे 3 साल के लिए। जब 3 साल के लिए आप प्रवेश आपको रखना पड़ता है, बीच में विद्यालय नहीं छोड़ सकते। लेकिन यहाँ पर एक नई सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि CSMU की तरफ से होगी कि आप किसी अगर विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी उसको पढ़ाई ना समझ में आए यानी उसको पढ़ाई पसंद ना आने की या किसी अन्य समस्या, कोई और समस्या भी हो सकती है, महाविद्यालय छोड़कर दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश ले सकता है। अगर उसको लगता है कि बगल वाला महाविद्यालय या उससे बगल वाला या उससे बगल वाला कोई महाविद्यालय है जिसमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं विद्यार्थियों के लिए, आपके दोस्त ने बताया कि मैंने जहां एडमिशन लिया था वहां तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, तो उसमें आप बीच में ही अपना विकल्प बदल सकते हैं और आप 1 साल यहाँ पूरा करिए, अगला साल दूसरे महाविद्यालय में आप पूरा कर सकते हैं। इसमें विश्वविद्यालय की ओर से गठित एक कमेटी जो होगी वो आपके कारणों की जांच करेगी, जो आप आरोप लगाएंगे उस महाविद्यालय पर उसकी जांच होगी, और फिर उसके बाद अगले सत्र शैक्षिक सत्र से ये सुविधा देने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि कितना बेहतर होगा कि संचालित तमाम डिग्री कॉलेजों में विद्यार्थियों को एक बार प्रवेश लेने के बाद उसे लगातार 3 वर्षों तक विद्यार्थी को उसी संस्थान में रहना होता था। तो जब उसी संस्थान में रहना होता था बदल नहीं सकते थे, तो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत ये एक जो इसके तहत अगर कोई विद्यार्थी किसी अपाय कारण से महाविद्यालय बदलना चाहता है तो विद्यालय अनुमति देगा, और वह प्रक्रिया हर वर्ष होगी। आप चाहे फर्स्ट ईयर यहाँ से करें तो सेकंड ईयर दूसरी जगह से, वहाँ भी अगर पसंद नहीं आ रहा तो तीसरी जगह से थर्ड ईयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप विश्वविद्यालय यानी में एक विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन तो मिलेगा लेकिन आप जो महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों को आप बदल सकेंगे। तो ये नियम पूछने के बाद कानपुर नगर के कुछ विद्यार्थी औरैया फर्रुखाबाद और कानपुर देहात के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और अब वो शहर के ही कॉलेज में प्रवेश लेने की तैयारी में हैं। तो यहाँ जैसे कोई छोटे शहरों में पढ़ रहा, बड़े शहरों में उसके लिए मौका बनता है तो वो वहाँ से अगले साल शिफ्ट हो सकता है। तो ये एक बेहतर ऑप्शंस रहेगा और इससे कॉलेजों की गुणवत्ता जो होगी वो भी सुधरेगी, और ये आपको अगले सत्र से पूरी की पूरी सुविधा दी जाएगी। तो जैसे इसके बारे में अपडेट आएगी कि किस प्रकार आप ले पाएंगे, आवेदन कहाँ करना होगा, क्या कैसे करना होगा, आप किस तरीके से सत्र एक पूरा करने के बाद अगले सत्र दूसरे महाविद्यालय में जाएंगे तो उसके लिए आवेदन कहाँ होना, शिकायत आप कहाँ करेंगे, क्या क्या उसके बिंदु होंगे, इन सभी मुद्दों में हम अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।